राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने उनियारा में पीएम मोदी की हुई सभा को लेकर उन्हें जमकर घेरा। पायलट ने उनियारा में पीएम मोदी की सभा को लेकर उनके भाषण पर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें बोलकर गए जो अपने आप में विवादित थे। जिम्मेदार लोग मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें भावनाओं को भड़काने वाली है। सुनिए पायलट ने क्या कुछ कहा। देखिए, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो मैं तो उसको कभी कंडोन नहीं कर सकता हूँ, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जाति बिरादरी धर्म समाज हो, किसी के साथ अगर कानून का उल्लंघन होता है, शोषण होता है, पीड़ा दी जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है कि न्याय मिलना चाहिए और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। धर्म के नाम पर वोट मांगना राजनीति में कितना सही है? धर्म किस व्यक्ति का क्या है वो उसके व्यक्तिगत उसका एक निर्णय होता है, क्या किसकी पूजा करता है, किसके भजन गाता है, किसका व्रत रखता है, क्या खाता है, क्या पहनता है। उससे राजनीतिक जो पद पे लोग हैं, संविधान से देश चलता है, उस संविधान की रक्षा करना, उस संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर बौखलाहट का माहौल सेट हो चुका है, क्योंकि आज से एक महीने पहले जो उनके स्टेटमेंट थे वो अलग थे, अब वो अलग तरह की रणनीति पे आ गए हैं कि जनता बड़ी समझदार है और मुझे अपने देश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय करेंगे और कांग्रेस इंडिया अलायंस को जिताएंगे। खेरा प्रचार थम गए हैं और कल यानी 26 अप्रैल को 13 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान होंगे। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।